नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभागों की समीक्षा की गई। बैठक में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, दिव्यांगजन पेंशन आदि योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं के लंबित आवेदन पत्र अतिशीघ्र निस्तारित किए जाएं। ये भी कहा कि पेंशन योजनाओं में आधार सीडिंग जल्द से जल्द पूर्ण कराई जाए। इस दौरान उन्होंने महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लंबित आवेदन पत्र भी निस्तारित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की समीक्षा करने पर पाया गया कि सदर तहसील में सबसे अधिक आवेदन पत्र लंबित हैं। इस संदर्भ में तहसीलदार सदर को निर्देश दिए गए कि लंबित आवेदन पत्रों को जल्द से जल्द निस्तारित कराया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री दिव्यांशु पटेल, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर नीलम सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रीमती रेणु यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास जनपद की समस्त उप जिलाधिकारी एवं समस्त खंड विकास अधिकारी गण आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।